नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। किसानों ने एक बार फिर देश की राजधानी का रुख कर लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान रैली में सवार होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। रविवार को भारी संख्या में किसान पंजाब के बहादुरगढ़ पहुंचे थे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिगेटिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े अनेक संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए एमएसपी सहित लंबित तमाम मुद्दों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का ऐलान किया है। एक तरफ किसानों ने पंजाब से दिल्ली का रुख कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ स्थित बॉर्डर पर बैरिगेटिंग करते हुए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करने की शुरुआत कर दी है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुरा से जुड़े सैकड़ों किसान रेल में सवार होकर बहादुरगढ़ पहुंचे। किसान बिजली बिल एमएसपी सहित कई मामलों को लेकर के सरकार से खफा है और सरकार को लगातार घेर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि यह फिलहाल केवल एक दिन के लिए प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए वो यहां आए हैं। इससे पहले लखीमपुर खीरी में किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ऐसा लगता है कि जो मोदी सरकार वादा करके भूल गई है, उसको याद दिलाने के लिए किसान हर बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तमाम किसान संगठनों के अलावा आम जनता भी सरकार के तीन काले कानून पर मुखर थी। जब यह आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा था, तब पूरा देश और पूरी मीडिया के लोग वहां पहुंच रहे थे। तीन काले कानूनों पर मोदी सरकार ने कहा था कि इस पे बात होगी, ये कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर न किसानों को विश्वास में लिया गया है, न उस पर आगे कोई बात हो रही है। तीन किसान बिलों को रद्द करने की बात थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली के दरवाजे पर अपनी बैठकी मजबूत करेंगे? अपने तमाम मुद्दों को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने के क्या फिर उस स्थिति में किसान आने की कोशिश कर रहे हैं? पिछले कुछ समय से जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, किसान तो छोड़िए हर तबका परेशान है। और सरकार कभी भी कुछ भी वादे कर रही है जो कि धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जबकि 24 में चुनाव होना है, किसानों का रुख बदलता नजर आ रहा है। हम सब ने देखा है कि कैसे किसान देश भर में किसान संगठन एकजुट होकर अपनी बात मनवाने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। अभी तक कोई भी लाभ किसानों को नहीं मिल सका है। किसानों की ये लगातार शिकायत है कि जो भी वादे सरकार ने किया था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और लगातार किसान छोटे छोटे विरोध के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रही है। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या फिर से किसान दिल्ली की तरफ जो कूच कर रहा है, क्या ये चिंगारी फिर आग की तरफ तब्दील होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चिंगारी हमेशा देखने को मिलती है कि बुझी तो नहीं है, कहीं ना कहीं आग उठती रहती है, कहीं ना कहीं धुआं उठता रहता है। तो अब देखना होगा कि ये जो आज जंतर मंतर पर बैठक बुलाई गई है, ये जो आज जंतर मंतर पर सारे किसान संगठनों को बुलाया गया है, ये किस ओर आने वाले समय में किस ओर अपना रुख करेगा। आप बने रहे महाखबर के साथ। अगर आप यह हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।